आज मैं लाया हूं दो ऐसा फेज वर्ड जिसे आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम कॉन्वर्सेशन के दौरान इस दोनों फेज वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कहना हो कि यह क्या है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहते हैं व्हाट इज दिस। लेकिन कई बार इस सेंटेंस को हम बहुत जोर देकर बोलते हैं, जैसे ये क्या है या है क्या ये। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप अपनी बातों पर जोर डाल देते हैं को बोलने के लिए इन दोनों फेज वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर लिखा हो यह क्या है, तो नॉर्मल तरीके से आप कहेंगे व्हाट इज दिस। लेकिन जब आपको जोर देकर बोलना हो तो आप कहेंगे व्हाट इन द वर्ल्ड इज दिस, यानी क्या है ये। अगर आपको कहना हो वह क्या चीज है, तो इसे नॉर्मल तरीके से कहेंगे व्हाट इज दैट। लेकिन अगर आपको कहना हो क्या चीज है वो, है क्या चीज वो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट इन द वर्ल्ड इज दैट, यानी कौन सी चीज है वो, क्या है वो। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट ऑन अर्थ इज दैट, यानी क्या है वो। अगर आपको कहना हो कि क्या चल रहा है, तो नॉर्मल तरीके से कहेंगे व्हाट इज गोइंग ऑन। लेकिन अगर आपको कहना हो चल क्या रहा है या क्या चल रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट इन द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट ऑन अर्थ इज गोइंग ऑन। अगर आपको कहना हो कि वह कहाँ हो सकता है, तो नॉर्मल तरीके से आप कहेंगे वेयर कैन ही बी, यानी वह कहाँ हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने सेंटेंस पर जोर देकर बोलें, जैसे कहाँ हो सकता है वो, तो आप कहेंगे वेयर इन द वर्ल्ड कैन ही बी। आप चाहें तो सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं वेयर ऑन अर्थ कैन ही बी, यानी कहाँ हो सकता है वो, हो कहाँ सकता है वो। अगर आपको कहना हो कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तो आप इसे नॉर्मल तरीके से कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग देयर। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस में जोर देकर बोले, जैसे तुम कर क्या रहे हो वहाँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग देयर। या फिर आप ये कह सकते हैं व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग देयर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों फेज वर्ड शानदार तरीके से समझ में आया, कि जब आप अपने बातों पर जोर देकर बोले तो आप इन दोनों फेज वर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूं कि इन दोनों फेज वर्ड का यूज आप हेल्पिंग वर्ब के पहले करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा, तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अब आप मेरे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।